दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रह पॉटर्स के बारे में। ग्रह पॉटर्स हमारे हिंदुस्तान में भी कई माएँ अपने बच्चों को पिलाया करती है। ग्रह पॉटर के बारे में दो अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग जो है ग्रह पॉटर पीने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, कुछ डॉक्टर जो है ग्रह पॉटर की तायिद करते हैं कि भाई हाँ, ग्रह पॉटर आप पिला सकते हैं। कुछ डॉक्टर कुछ कंडीशंस के अंदर ग्रह पाउडर पीने की इजाज़त देते हैं, बच्चों को पिलाने की इजाज़त देते हैं। मैं पर्सनली कुछ कंडीशंस में अपने पेशेंट्स को ग्रह पाउडर पीने के लिए हमेशा देता हूँ। जो लोग इसका विरोध करते हैं पिलाने के बारे में, उनके अपने अपने वजूहत है, अपने अपने उनके रीजंस है। आज हम उस पर भी बात करेंगे और ग्रह पाउडर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके पिलाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और ये कब पिलाना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिटेल बात करेंगे। दोस्तों, ग्रह पॉटर के फायदे और नुकसान जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर ग्रह पॉटर में होता क्या है। देखिए, ये मेरे पास में चार पांच ग्रह पॉटर है। एक पिंको का ग्रह पॉटर जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, चिपला ग्रह पॉटर है, एक वुडवर्ड्स का ग्रह पॉटर है। इसके अलावा कुछ लोग हमदर्द का नौनिहाल पिलाते हैं, कुछ लोग डाबर का ग्रह पॉटर पिलाते हैं, कुछ लोग हिमालय का बोनिनसन ग्रह पॉटर पिलाते हैं। तो सभी ग्रह पॉटर्स में जो है कंटेंट जो है अंदर जो दवाइयाँ है वो लगभग लगभग सेम होती है। इनके अंदर जो मेन दवाई होती है, पहला नंबर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या काम करती है, बच्चों की एसिडिटी को कम करने में मदद करती है। इसमें दूसरे जो मेन कंटेंट होता है वो होता है डील ऑयल। डील ऑयल मतलब बड़ी सोप कार्क, जिसे सोवा बोलते हैं, सोवा कार्क। तो सोवा ऑयल जो है वो सभी ग्रह पाउडर में होता है, डील ऑयल जिसे कहा जाता है। उसके भी बहुत सारे बच्चों को फायदे होते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को नींद अच्छी आती है, बच्चों के गैसेस कम होते हैं, बच्चों के उससे एसिडिटी कम होती है, बच्चों का पेट का दर्द कम होता है। उसे एंटीऑक्सीडेंट भी माना गया है सोवा जो ऑयल है, तो उसे कैंसर रोधी तत्व उसके अंदर मिलते हैं, मतलब कैंसर से लड़ने वाले भी कुछ केमिकल्स उसके अंदर है। तो डील ऑयल जो है सभी ग्रह पॉटर में होता है। इसके अलावा होता है फेनेल ऑयल। फेनेल जो ऑयल होता है सोप का अर्क जिसे कहते हैं, तो सोप का अर्क भी तकरीबन तकरीबन सभी ग्रह पॉटर में तीसरे नंबर पे ये केमिकल मौजूद होता है। सोप का अर्क के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप देखेंगे तो सोप का अर्क जो है कई सालों से, सदियों से हमारे मसालों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। सोप को सभी हर घर में जो है सोप का इस्तेमाल किया जाता है। सोप से जो है इन्फ्लामेशन कम होता है, इसे एंटी इन्फेक्टिव भी कहा गया है, मतलब इसके अंदर कीटाणु को मारने वाले भी कुछ केमिकल्स होते हैं। सोप को जो है कैल्शियम बढ़ाने वाले के अंदर कैल्शियम भी जो है सोप के अंदर कुछ मात्रा में पाया जाता है, तो ये बच्चों के कैल्शियम बढ़ाने में भी मदद करता है। सोप जो है ये बच्चों के वोमिटिंग उल्टी को भी कम करने में मदद करता है। बच्चों को जो पेट में दर्द होता है, गैसेस होता है, इसे भी कम करने में सोप अपने मदद करता है। तो ये तीन चीज़ें हर ग्रह पॉटर में होती ही होती है। इसके अलावा हर कंपनी वाले अपने अपने तरफ से कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि ये जिप्ला ग्रह पॉटर में जो है इन्होंने पुदीना का जो है अर्क ऐड किया हुआ है। पुदीना भी जो है वो पेट की बीमारी के लिए दिया जाता है। उसके अलावा जो हमदर्द का नौनिहाल है उसके अंदर उन्होंने जायफल जो है उसके अंदर मिलाया हुआ है, तो जायफल भी जो है वो पेट के लिए दिया जाता है बच्चों के। तो हर कंपनी वाले अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ दवाइयाँ मिलाते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐड करते हैं और कुछ दवाइयाँ कम करते हैं। तो ये कई सालों से बच्चों को दिया जा रहा है। प्रैक्टिकली मैंने 10 साल में लाखों पेशेंट अभी तक देख चुका हूँ, लाखों बच्चे पेशेंट अभी तक देख चुका हूँ। मेरे पास में अभी तक एक भी पेशेंट किसी माँ ने ऐसा नहीं लेकर आई कि हमने उसको ग्रह पाउडर पिलाया और इससे इसको ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिले करके। तो प्रैक्टिकली तो इसके कोई साइड इफेक्ट आज तक देखने को नहीं आए। कुछ लोग जो इसे देने के लिए मना करते हैं उनकी वजूहत ये होती है कि भाई FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया। FDA जो है जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग सारे दवाइयों की जो निगरानी जो करती है, तो उसके नज़दीक जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनकी एक ये वजह है। तो देखिए वो अपनी जगह। दूसरी वजह ये बताते हैं कि भाई इसके अंदर जो है अल्कोहल होता है, इसके अंदर शुगर होती है, और शुगर और अल्कोहल जो है बच्चों को नुकसानदेह हो सकती है, तो वो बात भी सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1851 में जो है पहली बार जो है ग्रह पॉटर लॉन्च किया गया, विलियम वुडवर्ड्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले 1851 में ग्रह पॉटर लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद में उन्होंने जो है 1851 से 1992 तक के वही फार्मूला जो है ग्रह पॉटर का कंटिन्यू रहा। 1992 के बाद में जो है ग्रह पॉटर में से अल्कोहल और शुगर को निकालने के लिए कहा गया कि वे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद से जितने भी ग्रह पॉटर आ रहे हैं वो विदाउट अल्कोहल आ रहे हैं, उसमें अल्कोहल नहीं है।
यहाँ तक के उसके अंदर शुगर भी ग्राय पाटर जितनी भी कंपनी है सभी ने शुगर भी एकदम निग्लिजिबल कर दी है, बिल्कुल नहीं के बराबर शुगर उसमें से कर दिए। तो अब जो ग्राय पाटर आ रहे हैं विदाउट अल्कोहल विदाउट शुगर ही आ रहे हैं। तो आप भी जब ग्राय पाटर लेंगे पिलाना है तो ये देख लीजिए कि कहीं ग्राय पाटर में जो ग्राय पाटर आप पिला रहे हैं उसमें अल्कोहल और शुगर नहीं होना चाहिए, इतना आपको देखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो लोग इसको मना करते हैं, मैं उनको एक जवाब ये भी दूंगा कि देखिए ये मेरे पास में कुछ एलोपैथी डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ देते हैं वो है, ये कोलीजा ड्रॉप है, कोलिकेट नाम से भी मार्केट में आता है, ये गैस्ट्रिक का ड्रॉप है मैनकाइंड का, ठीक है, ये जाइमेक्स ड्रॉप है, ये तीन मेडले कंपनी का। तो ये तीन ड्रॉप ऐसे हैं जो सभी एमडी डॉक्टर्स पेडिट्रिशियन एक दिन के बच्चों को भी ये ड्रॉप देते हैं, और कई बच्चों को, कई क्या मतलब 70% बच्चों को ये ड्रॉप दिए जाते हैं। अगर आप इसके कंटेंट भी अगर पढ़ेंगे तो वही है, ये देखिए गैस्ट्रिका में भी वही है, डील ऑयल है, फेनेल ऑयल है, और इसमें कंटेंट सिमिथिकॉन मिलाया हुआ है, ठीक है, ये भी एंजाइम है। इसके अलावा जाइबेक्स में भी क्या है वही है, ये देखिए इसमें क्या है पेप्सिन है, पेपिन है, मतलब एंजाइम के साथ में इसमें क्या है जिंजर ऑयल मतलब अदरक का तेल है इसमें, और सिनेमोन ऑयल है मतलब दालचीनी इसके अंदर है, मतलब इसमें भी वही दवाइयाँ है जो हम ग्राय पाटर में पेट के लिए गैसेस के लिए देते हैं। तकरीबन मॉडर्न मेडिकल वाले मॉडर्न डॉक्टर जो लिखते हैं उसमें भी तकरीबन वही दवाइयाँ मिली हुई है। तो आप भी वही दवाई दे रहे हैं, सिर्फ नाम अलग है, ग्राय पाटर में भी वही दवाई है, सिर्फ कंपनी का फर्क है और मार्केट का फर्क है, मार्केटिंग का फर्क है। तो जो लोग ग्राय पाउडर दे रहे हैं तो उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ एहतियात आप भी ज़रूर करें, कि हमारे इधर क्या होता है कि अगर बच्चे की पैदाइश हुई नहीं हुई तो माँ बाप जो है ग्राय पाउडर और सिपोन ड्रॉप लाने की गड़बड़ कर देते। सिपोन ड्रॉप का वीडियो हमारा आया हुआ है, आप ज़रूर उसे देखिए। तो सिपोन ड्रॉप ग्राय पाउडर आप देने की जल्दी ना करें, ये सभी बच्चों को देना ही चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके आपको लगता है कि आपके बच्चों को गैसेस की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है तो ही आप इसे दे। 6 महीने से कम बच्चों को देना है तो डॉक्टर की सलाह पर दे, क्योंकि 6 महीने से कम बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। माँ का दूध ही सबसे बेहतरीन जो है 6 महीने से बच्चों के लिए गिजा है, कुदरत ने उसमें सारी चीज़ें दे दी है जो बच्चों के नरिशमेंट के लिए बच्चों के ग्रोथ के लिए लगती है। उसके अलावा हाँ, अगर आप बच्चों को ऊपर का फीड दे रहे हैं माँ का दूध के अलावा, अगर आपको किसी वजह से ऊपर का फीड देना पड़ रहा है, ऊपर का दूध देना पड़ रहा है या दूध पाउडर आप दे रहे हैं, अगर आपको ग्राय पाउडर देना भी है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। हाँ, अदरवाइज ग्राय पाउडर के अभी तक के मैंने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उनकी अपनी वजह, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। सिर्फ जो पेरेंट्स ग्राय पाउडर दे रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो काम का लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।